Hello students, welcome to your class 7 mathematics classes. I am Sudhakar sir and today I teach to you exercise 4.4 question number 3. Solve the following as a first question. Irfan says that he said 7 marbles more than the 5 times of the marbles per minute. इरफान ने कहा कि उसके पास जो है परमित के मार्बल से के 5 times से 7 times अधिक मार्बल है. इरफान हैज 37 मार्बल. यदि इरफान के पास 37 मार्बल है, हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित है, तो परमित के पास कितने मार्बल है. तो सॉल्व में अब परमित के पास मार्बल कितने हैं मुझे ये नहीं पता है, तो लिखेंगे परमित है जो मार्बल एक्स. परमित है जो मार्बल इक्वल टू एक्स. ओके, इरफान सेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. पहले लिख लेंगे यहाँ पे इरफान हैज मार्बल. इरफान हैज मार्बल इक्वल टू 37. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार इरफान से इरफान कहता है दैट ही हैज 7 मार्बल. ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल. परमित मार्बल इरफान कहता है कि उसके पास परमित के मार्बल के 5 टाइम्स से 7 मोर देन मार्बल है. और किसके? इरफान के. इरफान मार्बल. इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 37. और परमित के पास मार्बल है, इरफान ने कहा कि उसके पास परमित के मार्बल से के 5 गुना मतलब 5 गुना 5 टाइम्स का से 7 अबव मार्बल है. तो ये इक्वल हुआ 5x + 7 = क्या यहाँ पे मिला था आपको 37. 37. अब बहुत साइड सब प्रैक्ट कर दो 7 का. देखो सब प्रैक्ट 7 बहुत साइड इक्वल टू 5x + 7 - 7 इक्वल टू 37 - 7. अब 5x यहाँ 7 से 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो लिखेंगे 5x इक्वल टू 37 में 7 माइनस हुआ तो 30. अब डिवाइड 5 बॉथ साइड. बॉथ साइड में किसका डिवाइड कर दें? 5 बॉथ साइड 5 का डिवाइड कर दें तो 5x / 5 इक्वल टू 30/5. 5 बन जा 5, 5 बन जाए 5, 5 6 जाए 30, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 हमें प्राप्त हुआ. ये हमारा है आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. आप सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को. और क्या है कि स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, वीडियो देखते समय स्क्रीनशॉट ले लिया करें, वो भी आपके लिए फायदे ही रहता है. आप स्क्रीनशॉट ले करके भी आप उसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है. यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. लक्ष्मी फादर इज, लक्ष्मी एक नाम की लड़की है. लक्ष्मी फादर इज लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. ही इज 4 years older than
is 4 years older than 3 times 3 times he is 4 years older than 3 times Lakshmi age. Lakshmi age. फिर आप यहाँ पे लिखेंगे he is four years older than three times Lakshmi age. What is Lakshmi age? लक्ष्मी की एज क्या है निकालना है आप। थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आज मैं थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दो ही क्वेश्चन बस कराऊंगा। नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर है पजल रिडल है, तो उस रिडल को सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड को। इसमें सॉल्व थर्ड का सेकंड आप देखेंगे सॉल्व थर्ड सेकंड। लक्ष्मी फादर एज इज 49 इयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिता की उम्र 49 इयर्स ओल्ड है, 49 इयर्स है। ही इज फोर्स, अब यहाँ पे ही नहीं बोले तो अच्छा उसके पिता को बोला है ना, इसलिए ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। व्हाट इज लक्ष्मी एज? लक्ष्मी के उसके जो पिता है लक्ष्मी की उम्र से 3 गुना से 4 ज्यादा है, तो लक्ष्मी की उम्र क्या होगी आपको ये बताना है। लक्ष्मी के एज पता नहीं है, उसके पिता की उम्र बोल दिया 49 ईयर है, और उनके पिता के बारे में कह दिया कि जो लक्ष्मी के पिता है लक्ष्मी की उम्र से कितने 3 गुने से 4 अधिक है, मतलब 3 times मोर देन 4 यहाँ पे लिखा ना 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, तो आप लिखेंगे क्या सॉल्वेशन में लक्ष्मी एज। लक्ष्मी एज हम क्या ले लेते हैं, लक्ष्मी एज ले लेते हैं वाई ईयर, क्या ले लेते हैं वाई ईयर। अब लक्ष्मी फादर एज आपको मालूम है, फादर एज लक्ष्मी फादर एज इक्वल टू क्या है 49 इयर्स। लक्ष्मी एज इक्वल टू वाई ईयर ले लिया, लक्ष्मी फादर एज इक्वल टू 49 ईयर मिला। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार, तो जो लक्ष्मी की एज है किसकी, लक्ष्मी एज जो है उसके पिताजी के, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चलते हैं लक्ष्मी एज 3 times एंड ओल्डर देन 4 इयर्स हिज फादर एज, यहाँ लिख रहे लक्ष्मी फादर एज, फादर एज। अब लक्ष्मी एज कितना है आप देख रहे हैं 3 into मैंने क्या लिया है वाई ईयर लिया है तो वाई लिख दिया, प्लस 4 = लक्ष्मी की फादर की एज कितना है 49 ईयर, 3 का y multiply 3y + 4 = 49 ईयर। अब प्लस में 4 है तो आप बॉक्स साइड सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 4 बॉक्स साइड। अब बॉक्स साइड में 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे 3y + 4 - 4 = 49 - 4 3y = 45 तो y इक्वल टू क्या मिला 45, 3y = 45। अब डिवाइड 5, डिवाइड यहाँ 3 है ना मल्टीप्लाई में, डिवाइड 3 बॉथ साइड 3 का डिवाइड करेंगे 3y / 3 = 45/3 3 बन जा 3, आपको क्या मिला वाई इक्वल टू मिला 3 बन जा 3 3 5 15 15, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो लक्ष्मी की एज जो है वो कितना मिल गई, लक्ष्मी एज वाई ईयर इक्वल टू क्या मिला आपको लास्ट में
फिफ्टीन ईयर मिला कि नहीं मिला, यहाँ लिख देंगे लक्ष्मी एज इक्वल टू 15 ईयर, ये आंसर होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़े समझे इसके बाद ही सॉल्व किया करें, तथा आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे आपको अगली जो वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल जाया करेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।